ये प्रोटीन का डब्बा है और इसमें EAA BCAA सब कुछ है इसमें। और आज यूसुफ भाई को एक मौका मिला है और आज मैं उनको वीडियो कर रहा हूँ, तो इसमें अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। 15 के फैमिली होने वाली हमारी वहाँ पे भी, और 15 के पे हम करने वाले हैं गिव अवे। चल हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इट्स ऑलरेडी 10th ऑफ रमजान नाउ एंड मैं अभी तक जिम नहीं गया, जाता था बीच में लेकिन नो एनर्जी लेवल्स डाउन, सारा गेंस ख़त्म हो गए मेरे। तो वैसे भी कैलरी डेफिसिट में चल रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से रमजान में, मतलब जितना भी कोशिश करो आप कैलरी डेफिसिट में ही रहोगे, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप सरप्लस में चले जाओ। तो वैसे भी तो आज से मैंने सोच लिया कि आज पक्का जिम करूँगा और आपको भी बताता रहूँगा साथ साथ में, और व्लॉग्स भी कंटिन्यू डालूँगा इन दिनों। तो अभी असर का टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है अभी, तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर इफ्तार की प्रिपरेशन में लग जाना है। इफ्तार खुद से बनाना पड़ता है, घर से बाहर रहते हो, एंड सल्यूट टू ऑल जो घर से बाहर रहते हो और खुद सारा मैनेज कर लेते हैं। तो आज वैसे भी मेरा पुश डे है, मतलब पुश डे क्या, मैं एक सिंगल बॉडी पार्ट ले रहा हूँ मैं रमजान में, तो उसकी मैं आपको 4 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँगा, और उतनी ही करोगे तो मतलब बहुत है आपकी आपके गेंस को मेंटेन करने के लिए, 4 एक्सरसाइज आर एनफ। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि इफ्तार में मैं क्या खा रहा हूँ, एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो टू जिम, फिर उसके बाद होती है हमारी तरावी एंड ऑल। मैं तो इफ्तार के बाद जिम करता हूँ लाइट सी मील लेके, लाइट सी नहीं हैवी होती है, दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। तो पहले हम जाते हैं नमाज वमाज पढ़ते हैं, सी यू। अभी वैसे इफ्तार का टाइम हो रहा था लेकिन अभी मेरा मंथली स्टैक भी आ गया, मतलब मंथ के एंड पे आ जाता है मेरा मंथली स्टैक। तो इस बार नया ब्रांड है मसल, ये डॉक्टर्स चॉइस का है, इस बार मैंने डॉक्टर्स चॉइस से कोलैब किया हुआ है। तो एक टाइम पैसा रहता था प्रोटीन के लिए, पैसे वगैरह जमा करना रहता था, तो बहुत स्ट्रगल रहता था, और घर वाले तो इंडियन पेरेंट्स आपको तो पता ही होगा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को लेके, प्रोटीन क्रिएटिन एंड ऑल। अभी भी घर वाले मुझे मना करते हैं कि ये मत वो मत, आई डोंट नो व्हाई। तो मंथली स्टैक आ गया है, अब इफ्तार का टाइम भी वैसे नज़दीक है, तो पहले हम इफ्तार करेंगे, उसके बाद मैं इसको जिम साथ में लूँगा, जिम में इसका अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो बाकी अभी इफ्तार में मैं कोई मतलब शेक पीता हूँ, लाइक आई विल शो यू इन टू ऑल दोस्त जो मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं है, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। हम 15K फैमिली होने वाली हमारी वहाँ पे भी, और 15K पे हम करने वाले हैं गिव अवे, देखते हैं हम किस चीज़ का होगा। 15K जब होते हैं तो तब करेंगे, जल्दी होने वाले हैं क्योंकि 14.2K ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, तो 15K जर्नी टू 100K है हमारी। तो यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी आप सारे लोग, बस YouTube पे भी हमारे 10K हो जाए। पहले तो YouTube का टारगेट मेरा 10K है, 1K था, 1K हो गया पिछली 2-3 वीडियोस में पहले, तो अब 10K है। तो अब देखते हैं, अब फिलहाल मैं इफ्तार के लिए दिखा रहा हूँ आपको मैं क्या खा रहा हूँ, देन आफ्टर वी विल गो जिम एंड देन वी विल हिट चेस्ट टुडे, एंड आई विल टेल यू द बेस्ट 4 एक्सरसाइजेस फॉर चेस्ट इन रमादान जो आपके गेंस को पूरा मैक्सिमाइज करेगी। थैंक यू। जिम नहीं कर रहे हम, तो हमारा प्री रिस्ट पैंट्स माइक एंड वाटर बॉटल साथ है। निकल रहा हूँ और सबसे बड़ी मुसीबत आज ये साथ ले जाना है, ये वहीं पर अनबॉक्स करूँगा क्या क्या इसमें, आपको वहीं पे दिखाऊंगा। तो अब जिम चलते हैं, अब आपको जिम से आगे दिखाता हूँ। सो बाय। Now will you join the unity or not? Join. So finally we are in gym, तो प्री वर्कआउट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चेस्ट की बेंच प्रेस, और
पहला हो गया, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसके भी हम तीन सेट करेंगे, हमने प्लेन के भी तीन सेट किए और हम इंक्लाइन के भी तीन सेट करेंगे। और हमने वॉल्यूम, मैंने बिल्कुल वॉल्यूम कम रखा, 10-10 रेप किए हर एक में, हर सेट में, और तीन ही सेट रखे। रमजान में ज़्यादा कर नहीं पाते एनर्जी, तो वॉल्यूम भी कट किया और लाइट वेट से किया मैंने आज। जो कि हर्षित का फ्लॉप रिस्क बहुत तगड़ा है। चल वन टू थ्री चलो तो तेजी से खा रेडी गो नाइस मैच क्लियर आज की तरह रेडी गो रेडी गो अभी तो लोरिंग लगा रहा है से बहुत सारे चलो दिया आजा। ओके गाइस, सो आज मैं गिव अवे कर रहा हूँ, ये प्रोटीन का डब्बा है और इसमें EAA BCAA सब कुछ है इसमें। और आज यूसुफ भाई को एक मौका मिला है और आज मैं उनको गिव अवे कर रहा हूँ, तो इसमें अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। ये मैं हम इसको अनबॉक्स करेंगे, पहले देखते हैं इसमें क्या है। ये हमारी हर एक पोस्ट पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसलिए आज इनको गिव अवे कर दिया हमने। थैंक यू सबसे पहले हमारे पास बिल, जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है। देन आफ्टर दैट हमारे पास है प्री वर्कआउट, देन उसके बाद ई डबल है, पहले यहाँ रखते फिर ले लेंगे। मसल डॉक्टर्स की टीम है, ये तो गिर गया हो गया, बस एक ये भी चाहिए था। एक अच्छा शेकर बस हो गया। And lastly, हमारा फेवरेट प्रोटीन थ्री फ्यूजन वे। अब मेरा मंथली स्टैक आ गया, अब वैसे भी प्रोटीन खत्म हो गया था। यस, तो हम कल से ये वाला प्रोटीन यूज करेंगे। सीधा दिखाओ कितना, 25 ग्राम कट। तो टी शर्ट ट्राई करते हैं पहले।
वैसा भी सुबह के 4:04 और हम बना रहे हैं इस टाइम सहरी बना रहा हूँ। अभी रोटी वगैरह तो खाली बाहर से लेके आया था और अभी मैं बना रहा हूँ साथ में अपने ब्रेड टोस्ट, पीनट बटर ब्रेड टोस्ट। तो आजकल वैसे भी डाइट कोई स्ट्रिक्ट नहीं चल रही, मतलब जो मिल रहा है वो खा रहा हूँ अभी फिलहाल रमजान में। आपको मैं दिखाता हूँ, टोस्ट रेडी हुए। बाहर रहने का एक फ़ायदा रहता है, इंसान खाना बनाना सीख जाता है। जितने भी हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको पता होगा सबको खाना बनाना आ ही जाता है खुद से खुद। सप्लीमेंटेशन में मेरा प्रोटीन रह रहा है आजकल और मल्टी विटामिन ले रहा हूँ मैं और फिश ऑयल। तो मैं आपको मल्टी विटामिन दिखा रहा हूँ कि कौन से ले रहा हूँ। ये वाले मल्टी विटामिन ले रहा हूँ मैं, नेचर इज के मल्टी विटामिन मैन 18+। तो इसको हम सैरी करके आराम से, पहले अब रोटी तो खाली, अब चाय पियेंगे थोड़ी सी और उसके बाद मल्टी विटामिन के साथ फाइनल टच। और ये है नेचरीज़ का डेली विटामिन्स मैन 18+, जिसमें हाईएस्ट 60 न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स हुए, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स विद ओमेगा 3 एंड 11 परफॉर्मेंस ब्लेंड्स, जो हेल्प करते हैं हमारी मसल ग्रोथ में, स्ट्रेंथ को बढ़ाने में और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि इसको यूज़ कैसे करना है, मतलब किस टाइम इसको यूज़ करना है। ये जो नेचरीज का डेली विटामिंस मैन 18+ है, इसको आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो पानी के साथ, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो कल ही दूंगा, कल ही बैक का पूरा व्लॉग शूट करूंगा। तो आज मैंने आम रसलिंग का टेबल ही बनाने जाना है, शायद वो भी दिखा दूँ आपको कैसे घर पे आम रसलिंग का टेबल बनाया जा सके, घर पे नहीं सॉरी बाहर, लेकिन कस्टमाइज्ड खुद से सस्ते में। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, हैप्पी रमजान, बाय।